सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी के सभी लोग। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियलमी के एक और लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी 9 प्रो की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स के साइड में लिखा है रियलमी 9 प्रो। बैक साइड में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई है, जिसमें बैटरी कौन सी है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा कैमरा है और कौन सा चार्जर है, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट से हम बॉक्स को कर लेते हैं ओपन, और बॉक्स को ओपन करने के बाद मैं बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करते हैं, फिर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लीड मिल जाती है, इसमें लिखा है वेलकम टू रियलमी फैमिली। वहीं पर हम जो है हमारी मेन डिवाइस को निकाल लेते हैं, और साफ साफ दिख रहा है कि इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हमें दिया गया है। तो डिवाइस को हम बूट होने देते हैं, इतने अदर कंटेंट्स के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो डिवाइस को मैं रख देता हूँ साइड में, और यहाँ पर देखते हैं कि हमें और क्या क्या देखने को मिलता है साथ में। तो यहाँ पर हमें 33 वाट का फास्ट चार्जर यानी कि डट चार्जर मिल जाता है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर 65 वाट का चार्जर होना था। उसी के साथ में यहाँ पर टाइप सी टू टाइप ए केबल आपको देखने को मिल जाती है। हमारा फ़ोन जो है यहाँ पर बूट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो होगा 6.59 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, यानी चलने में काफ़ी स्मूथनेस आपको देखने को मिलने वाला है इस फोन के अंदर। वहीं पर फ्रंट के अंदर आपको देखने को मिल जाता है पंच होल कैमरा। जी हाँ दोस्तों, पंच होल कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 33 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में आपको मिलेगा। वहीं पर अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो स्नैपड्रैगन का 695 5G वाला प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको मोटो G7 के अंदर देखने को मिला था। सेम टू सेम वही प्रोसेसर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस फोन के साथ में आपको रियलमी की UI 3 देखने को मिलेगी, यानी कि Android 12। और सबसे अच्छी बात यह कि AMOLED डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले हमें दिया गया है, तो हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की यहाँ पर बात करूँ तो बैक साइड से जो है प्लास्टिक से बिल्ड किया हुआ है, साइड से भी जो है यहाँ पर आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं बैक साइड में जो है आपको पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलने वाली है। ये ब्लैक वाइट एंड ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलेगा। रियर के अंदर जो आपको कैमरा देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिलेगा। प्राइस जो इसकी रहेगी वो अंडर 20,000 रहेगी। और यहाँ पर मैं आपको सारी कुछ स्पेसिफिकेशन बता चुका हूँ, अगर बताने के लिए कुछ रह गया हो तो कमेंट करके जरूर से पूछे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नई वीडियो नए कंटेंट के साथ।